किसी बेरहम कातिल के लिए मौत की सजा बहुत ही कम है। अगर उस कातिल को समय के जाल में फंसाकर बार बार उसके भयानक पलों को उसके सामने लाया जाए तो क्या होगा, यही आपको आज की हमारी इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बहुत सारी धुंधली यादों के साथ में विक्टोरिया होश में आती है और उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसके हाथों पर भी बैंडेजें बंधी हुई थी और उसके आसपास स्लीपिंग पिल्स भी पड़ी हुई थी और उसके सपने में आने वाला सिंबल सामने टीवी पर आ रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं था। वो उस रूम से बाहर आकर देखती है और लिविंग रूम में टीवी पर भी वही सिंबल था। पास ही में एक फोटो फ्रेम भी था जहाँ पर उसकी और एक आदमी की फोटो थी और एक बच्चे की फोटो भी वहीं पर लगी हुई थी। फिर वो कोट और जूता पहनकर वहाँ से बाहर जाती है। घर के बाहर भी उसे कोई आसपास नजर नहीं आ रहा था और कुछ लोग घर के अंदर से अपने फोन पर उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। वो उनसे मदद मांगती है लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता है। वो फिर फोटो ले रही एक लेडी का पीछा करती है लेकिन कुछ दूर जाने पर वो औरत भी छुप जाती है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और एक आदमी उस कार से निकलता है। उसने अपना फेस पर एक मास्क भी पहना था जिस पर वही सिंबल बना हुआ था और वो आदमी विक्टोरिया पर अपनी गन को पॉइंट करता है, जिसे देखकर विक्टोरिया वहाँ से भागने लगती है। और बाकी लोग बस रिकॉर्डिंग कर रहे थे और कोई भी विक्टोरिया की मदद नहीं कर रहा था। भागते भागते विक्टोरिया एक गैस स्टेशन पर आती है जहाँ पर जेम और डेमियन थे। विक्टोरिया उनसे मदद मांगती है और तभी वे आदमी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। फिर वे तीनों गैस स्टेशन के अंदर छुप जाते हैं और डोर को लॉक कर लेते हैं। बाकी के लोग गैस स्टेशन के विंडो से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे और वो आदमी डोर तोड़कर अंदर आता है। जेम के कहने पर डेमियन उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है और उसी दौरान जेम और विक्टोरिया पीछे के डोर से निकलकर डस्टबिन के पीछे छुप जाते हैं। अब जख्मी हालत में डेमियन बाहर आता है और बाकी सभी लोग डेमियन की बॉडी की फोटोज ले रहे थे। मास्कमैन को देखकर विक्टोरिया एक आदमी और वही छोटी बच्ची नजर आती है। फिर जेम और विक्टोरिया वहां से भागते हैं और उनको एक कार दिखती है जहाँ से मास्क पहने हुए एक आदमी और औरत निकलते हैं जिनके हाथों में हथियार थे। जेम के मुताबिक वे सब हंटर्स थे और पास ही के एक टूटे हुए दीवार से वे दोनों वहां से भागती हैं। उनके बाद में दोनों एक घर में छुप जाते हैं जहां पर जेम विक्टोरिया को बताती है कि रिकॉर्ड करने वाले लोगों को उनका पता लगते ही वे सब हंटर को उनका लोकेशन बता देंगे। विक्टोरिया को ऐसा लग रहा था कि फोटो वाली वो छोटी बच्ची उसकी बच्ची है। विक्टोरिया की चोट देखकर जेम कहती है कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की होगी और जेम बताती है कि सभी कंप्यूटर और टीवी पर एक सिंपल शो हो रहा है जिसे देखने के बाद में लोग सुसाइड कर रहे हैं और कुछ लोग सब कुछ इग्नोर करके रिकॉर्ड करने वाले बन गए थे। जिन लोगों पर भी वे सिंबल असर नहीं हुआ उनमें से कुछ लोग हंटर बन गए जो कि किसी को भी अपने मजे के लिए मार रहे थे। जेम टीवी ट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी ताकि टीवी पर से वो सिंबल्स हट जाए और लोग नॉर्मल हो जाए। और एक टीवी ट्रांसमीटर व्हाइट बियर इलाके में था। व्हाइट बियर नाम सुनते ही विक्टोरिया को वही छोटी बच्ची फिर से याद आती है और फिर दोनों घर के बाहर आती है। उनको रिकॉर्ड कर रहे दो लोगों को देखकर गुस्से में विक्टोरिया उन पर पत्थर फेंकती है और वो आदमी अपना फोन छोड़कर वहां से भाग जाता है। विक्टोरिया उस फोन को उठाती है और जेम एक शॉटगन से उसे धमकी देती है कि फोन नीचे रखें, नहीं तो विक्टोरिया भी सिंबल के असर में आ जाएगी। लेकिन फिर भी विक्टोरिया उस फोन की तरफ देखती है और उसे कुछ विजन्स नजर आते हैं जहाँ पर एक जलती हुई कार के सामने वो खड़ी थी। तभी वहाँ पर हंटर आ जाते हैं और उनको देखकर जेम और विक्टोरिया भागते हैं। रास्ते में उनके पास में एक कार आकर रुकती है और कार का ड्राइवर उसके लिए कार का डोर खोल देता है। अपनी जान बचाने के लिए जेम और विक्टोरिया उस कार में बैठ जाती है। रास्ते में विक्टोरिया बताती है कि उसे बेक्स्टर नाम याद है लेकिन उसे याद नहीं है कि वो कैसे बेक्स्टर को जानती है। बेक्स्टर के मुताबिक उनको अभी टीवी के ट्रांसमीटर पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी भी वहाँ पर खतरा है। तभी विक्टोरिया कहती है कि उनको जंगल में रहना चाहिए और वहाँ पर खाना पानी और वे सेफ रहेंगे। वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिलता है तो कोई भी उनको वहाँ पर पकड़ नहीं पाएगा। वे तीनों जंगल तक पहुँच जाते हैं। फोटो वाली बच्ची का नाम जेमिनिया था और विक्टोरिया का कुछ याद नहीं था कि वो कहाँ पर है। बेक्स्टर के मुताबिक विक्टोरिया को मेंटल इलनेस है और वो दोनों वीक हैं तो हंटर उनको आसानी से ढूंढ लेंगे। विक्टोरिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही बेक्स्टर एक गन लेकर उसके पास में आता है। जेम भागने वाली थी लेकिन गन चलने के डर से वो रुक जाती है। बेक्स्टर एक सिंबल वाला मास्क विक्टोरिया को पहनने के लिए देता है और विक्टोरिया भी वो मास्क पहन लेती है। फिर गन पॉइंट पर रखकर बेक्स्टर जेम और विक्टोरिया को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर कई सारी लाशें पेड़ पर लटकी हुई थी
और फिर से वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले लोग आ गए थे। जेम और विक्टोरिया को गन के पॉइंट पर रखा हुआ था। फिर बैक्स्टर का फोन बजता है और इसका फायदा उठाकर जेम वहां से भाग जाती है। तब बैक्स्टर विक्टोरिया को एक पेड़ से बांध देता है और ड्रिल मशीन निकालता है। डर के मारे विक्टोरिया चिल्लाने लगती है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है। सबके सब उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वहां पर जेम आती है और वो बैक्स्टर को शूट करके विक्टोरिया को आजाद करती है। फिर बैक्स्टर की कार की चाबी लेकर जेम और विक्टोरिया कार की तरफ भागती है और हंटर को उनके पकड़ने से पहले वे वहां से निकल जाते हैं। रात को जेम कहती है कि उनको टीवी ट्रांसमीटर के पास जाकर उसे जलाना होगा और वे उसे मैप भी दिखाती है। वो बहुत दिनों से ये करने के बारे में सोच रही थी और अचानक विक्टोरिया को याद आता है कि उसने जब मेनिया को पुलिस कार से छुपने के लिए कहा था, उससे कुछ विजन्स भी आते हैं जहाँ पर उसे किसी ने बांध कर रखा हुआ था। विक्टोरिया जेम्स से कहती है कि उसे वाइट बियर नाम में कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही है और कुछ समय में दोनों वाइट बियर फैसिलिटी तक आ जाते हैं जहाँ पर टीवी ट्रांसमीटर था। और फिर भी विक्टोरिया को विजन आता है कि उसने अपने हस्बैंड को जेमेनिया पर नजर रखने के लिए कहा था। उसके हस्बैंड ने जंगल में कुछ जलाया था जिससे कि विक्टोरिया कार से देख लेती है। अब प्रेजेंट समय में जेम गेट का ताला तोड़कर उस फैसिलिटी के साथ में घुस जाती है और विक्टोरिया को बार बार जेमेनिया और आदमी का विजन नजर आ रहे थे। उस आदमी के गले पर भी उसी सिंबल का टैटू था, लेकिन फिर भी विक्टोरिया जेम के साथ में चल रही थी। उस जगह पर हर तरफ कैमरास थे और हंटर के आने से पहले जेम विक्टोरिया को बिल्डिंग के अंदर लेकर आ जाती है। बिल्डिंग के अंदर कंट्रोल रूम में जेम सारे कंट्रोल्स को ऑफ करने में लग जाती है। सभी तरफ वही सारे सिंबल्स शो हो रहे थे। हर तरफ पेट्रोल डालकर जेम उस जगह को जलाने वाली थी और उसी समय वहाँ पर हंटर्स आते हैं। एक हंटर जेम के साथ में लड़ने लगता है और इसी दौरान जेम के हाथ पर कट लग जाता है। तभी विक्टोरिया एक गन लेकर हंटर के ऊपर शूट कर देती है, लेकिन गन से गोली नहीं बल्कि कलरफुल पेपर्स निकल रहे थे। विक्टोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता है और अचानक मशीन वाला डोर खुल जाता है। उसके पीछे बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई थी। हंटर और जेम विक्टोरिया को एक चेयर पर बांध देते हैं और उसी समय वहाँ पर बैक्स्टर आता है और सभी ऑडियंस ताली बजा रही थी। बैक्स्टर विक्टोरिया को एक स्क्रीन शो करता है जहाँ पर विक्टोरिया की असली लाइफ की बात चल रही थी और यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली राज। विक्टोरिया और उसके फियांसे दोनों क्रिमिनल थे और उन्होंने जेमेनिया को किडनैप किया हुआ था। पूरा देश जेमेनिया को ढूंढ रहा था और गायब होने के समय जेमेनिया के पास में वाइट बियर का पुतला था। विक्टोरिया जेमेनिया को टॉर्चर करके एक स्लीपिंग बैग में बंद करके उसे जंगल में ले जाकर जला दिया था और विक्टोरिया ने जेमेनिया की मदद करने की वजह से उसका वीडियो बना रही थी। उस वीडियो के जरिए पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था और वो सिंबल असल में इयान का टैटू था। कोर्ट में विक्टोरिया ने बचने के लिए यह कहा था कि इयान ने यह सब उससे करवाया है, लेकिन अथॉरिटीज उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और डर के मारे इयान ने जेल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। अपनी असली सच्चाई जानकर विक्टोरिया बहुत ज्यादा रोती है और ऑडियंस उसे मर्डर कहकर उस पर गुस्सा निकाल रही थी। बैक्स्टर के कहने पर विक्टोरिया को एक कार में बिठाया जाता है और चारों तरफ बहुत सारे लोग थे। सभी उसे मर्डर कहकर उसके फोटोज और वीडियोस ले रहे थे और विक्टोरिया को फिर से उस घर में लाकर रख देते हैं। वो बैक्स्टर से अपनी मौत की भीख मांग रही थी, लेकिन मौत उसके लिए बहुत ही कम सजा थी। बैक्स्टर उसके सामने नींद की गोलियां फेंक देता है और विक्टोरिया के सर पर एक डिवाइस लगा देता है ताकि यही सब मेमोरी वो फिर से भूल जाए। टीवी पर जेमेनिया की वीडियोस चल रही थी और कुछ ही समय में विक्टोरिया की मेमोरी चल जाती है और बेहोश हो जाती है और फिर से उस घर को मूवी की शुरुआत के जैसा सजाया जाता है और बैक्स्टर कैलेंडर पर मार्क लगाता है। बैक्स्टर फिर एक्टर्स को अगले दिन के लिए रेडी होने के लिए कहता है और इसके लिए खेल के कुछ रूल्स थे, किसी से बात नहीं करना, दूरी बनाए रखना और अपने आप में इंजॉय करना। जेम कहती है कि अगर विक्टोरिया को बीच में कुछ ठीक से याद भी आया तो टीजर गन से उसे बेहोश कर दिया जाए। अब मूवी की शुरुआत की ही तरह विक्टोरिया होश में आती है और वही सारी इंसिडेंट्स एक्टर और लोगों की मदद से फिर से होने लगते हैं और इसी तरह विक्टोरिया की लाइफ हर दिन कट रही थी और उसे याद भी नहीं रहता है कि यह सब पहले हो चुका है। और इसी के साथ में मूवी यह एंड होती है। विक्टोरिया और इयान ने जेमेनिया को किडनैप करके उसे जिंदा जला दिया था। विक्टोरिया उस मासूम बच्चे के टॉर्चर का मजा लेकर उसका वीडियो शूट कर रही थी। पुलिस के पकड़े जाने पर इयान ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन विक्टोरिया को सबक सिखाने के लिए समाज ने मिलकर उसे एक टाइम लूप में फंसा दिया जहां पर वो हर दिन एक ही समय को जी रही थी। जेमेनिया की मौत पर जिस तरह विक्टोरिया वीडियो बना रही थी, उसे सबक सिखाने के लिए लोग उसकी मुसीबत के समय उसका वीडियो बना रहे थे। कैलेंडर को देखकर हम सब ये समझ पाते हैं कि ये सब कुछ बहुत दिनों से बार बार विक्टोरिया के साथ में हो रहा है और इस जुर्म के लिए विक्टोरिया के लिए मौत की सजा बहुत कम होती है।
इसीलिए उसे एक ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया गया जहाँ पर वो हर दिन अपने डर और कन्फ्यूजन में भटकती रहती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।